दिल धड़काए बीच सड़क में आराम तेरा पुकार ओ करके यार ओ लड़की ओ लड़की कुमार ओ लड़की अरे आता है मुझको तेरा बच के जा बारिश मां बोल जपति रामचंद्र की पवन पुत्र हनुमान की नारे हैदरी जो बोले सोनेहा थैंक यू सो मच मजा आ गया आई लव यू ऑल गाइस यू गाइस आर द बेस्ट अर्चना जी आप कम बोला करो बोला अर्चना जी चलो थैंक यू सो मच लव यू ऑल जय महाराष्ट्र स्पेशली थैंक्स टू मूवी मैजिक वीरू शंकर भाई का थैंक यू सो मच बहुत ही कमाल का उन्होंने शो करा है और दोनों राजेश एंड वीरू जय वीरू की जोड़ी तो सुनी राजेश वीरू की जोड़ी पहली बार सुनी है और आप सभी को हैप्पी दिवाली किरण मुझे दिखना भी नहीं छोटा परिवार शुभकामनाएं आपको पूरा परिवार को पूरा थाने वाले को जिस तरह का कार्यक्रम हुआ मिल्खा सिंह ने धमाल मचा दिया लोगों का दिल जीत लिया और आपका शो के जान चल लगा दिया आपका बना नमस्ते पहले तो सबको दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से मेरे सारे फाउंडेशन के तरफ से और मिल्खा सिंह आए इंजॉय किया सब स्टेट वासियों ने सब हमारे वार्ड के वासियों ने सब जी बी रोड वासियों ने हमको बहुत अच्छा लगा हमारे साथ दिवाली सेलिब्रेट की सच्ची थैंक यू सबका थैंक यू मैम ये हर साल का पिछले साल का इस बार हुआ इस साल कुछ डिफरेंट देखने को मिला किस तरह कॉन्सेप्ट लोग सोचते हैं आप देखो हर साल अलग होता है गए साल शंकर महादेव जी थे इस बार मिल्खा सिंह जी है तो टिपिकली सब ने इंजॉय किया जैसे जैसे सब ने इंजॉय किया तो क्या मैसेज देना चाहते देशवासियों को आपको मन से
मैं इतना ही मैसेज देती हूँ कि दिवाली की सबको शुभकामनाएं, सब अपना ख्याल रखें, बी वो सबको सेफ दिवाली। फाउंडेशन के थ्रू हम लोग यही सब काम कर रहे हैं जो पब्लिक हित में हो। दिवाली प्रभात सबके थाने में होती है, हमारे जीबी रोड पे कुछ नहीं होता है, कुछ भी होता है तो हमारे पब्लिक को कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, इसलिए दिवाली संध्या हमने चालू की गए साल, ये बार सेकेंड ईयर है। इसके अलावा क्या क्या करते हैं फाउंडेशन के अलावा, दिवाली के सेलिब्रेशन के अलावा? सोशल वर्क में है हमारी फाउंडेशन और अभी ये सब में है और आगे चले। हमारी फाउंडेशन आपकी तरह, सबकी तरह, मेरी तरह नहीं है तो आप सब संभाल के लीजिए, अभी सब अभी तक बेबी है। कितने लोग आपको जुड़े हैं, आपका मकसद क्या है, पूरा मतलब लोगों के लिए क्या आपका मकसद है इन लोगों का? हमारे फाउंडेशन में अभी तक 150 से 200 लोग जुड़े हैं, अभी और जुड़ेंगे क्योंकि हमारे जैसे मैं बोली हमारे फाउंडेशन नहीं है। सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? अर्चना मनेरा फाउंडेशन, किरण मनेरा और अर्चना मनेरा, इन दोनों की तरफ से यहाँ जो एक मिका सिंह का जो प्रोग्राम रखा है हर साल, वो यहाँ लोगों को दिवाली में एक भेंट देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं, एक म्यूज़िकल शो करते हैं। वो फाउंडेशन की तरफ से सोशल और कल्चरल में बहुत से प्रोग्राम वो कर चुके हैं, कर रहे हैं, उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं और सबको हैप्पी दिवाली। राय जी आपसे जानना चाहते, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि तमाम मीडिया को कि एक बात जो अर्चना जी ने नहीं बताई है कि 12 बजते ही इनका जन्मदिन है, तो मैं चाहूँगा कि पूरा पूरा सब लोग हैप्पी बर्थडे बोले, सब लोग एक साथ जोर से बोले हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। मैं क्या बोलूं, मेरे को पता ही नहीं था, सबको पता चल जाएगा। सी अर्चना जी शी इज अ वेरी डाउन टू अर्थ लेडी, आपने देख ही लिया होगा उन्होंने बोला है, ये काम करने में ज्यादा विश्वास रखती है। आज इस गांव के जितने आप घर घर जाके लोगों को पानी पहुंचाना, ये करना इनका मतलब जो ध्येय है, इनका जो सोच है वो ये है कि इनका जो नेटिव प्लेस है इसको कितना हर एक इंसान, हर एक घर वाला जो है उनका फैमिली मेंबर है, तो उनके लिए ये पूरी अर्चना मनेरा फाउंडेशन की पूरी फैमिली है ये और वो अपने फैमिली के लिए दिवाली की भेंट देते हैं हर साल। तो ये आप जो देख रहे हैं ये उनके पीछे उनका जो बैकबोन है डॉक्टर किरण मनेरा जी, किरण जी ये पीछे रहते हैं, लेकिन मेन सबसे मेन यही है, अर्चना जी का हौसला भी यही है, इनका सपोर्ट भी यही है और ये ड्यू जो है हर साल ये लोगों को, यहाँ के लोगों को अपनी तरफ से दिवाली का तोहफा देता है, दिवाली धमाका देता है। तो आपने देखा होगा कि किस तरह लास्ट ईयर शंकर महादेवन दिया, इस साल मिक्का सिंह जी, अगले साल और बड़ा धमाका आएगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो अभी किरण जी से बताइए, कार्यक्रम सफलपूर्वक हुआ, हैप्पी दिवाली भी है और बर्थडे भी है अर्चना जी, दोनों मौका खुशहाली मिला, क्या बोलना चाहते हैं? जनरली हमारा कोशिश यही रहता है कि दिवाली के दिन सब फैमिली एक साथ रह के सेलिब्रेट करें और हर साल हम लोग और आगे इससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बस अर्चना जी लास्ट सवाल आपसे, नारी शक्ति मैं सुना हूँ काफ़ी मजबूत होता है, आप नारी शक्ति, आप जैसे महिलाओं के देश को जरूरत है, क्या मौका मिला चुनौती? मैं चाहती हूँ कि हमको देख के, हमारे कार्य को देख के, हम किसी को भी देख के थोड़ा नारी प्रेरित हो और कुछ आगे आए। थैंक यू मैम, हैप्पी दिवाली। बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजित करने के लिए और राजेश की मूवी मैजिक से, जिन्होंने इतना बड़ा मतलब कहते ना वन मैन आर्मी, वो है एक ये है जो इतना बड़ा आयोजन देख रहे हैं इनकी वजह से है और आज का जो एक धमाका हुआ है नहीं है, ये किरण डॉक्टर किरण मनेरा की वजह से है, हम लोग तो उनके साथ हैं, अर्चना मनेरा फाउंडेशन के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। जो ये कार्य करते हैं, कितना चैलेंज रहा आज का प्रोग्राम का आयोजन करने में? चैलेंजिंग तो था पर हमारे सब कार्यकर्ता मिलके, वॉलंटियर्स ने मिलके सक्सेस किया, इतना बड़ा शो हिट करना बहुत बड़ी बात है, तो सब हो गया और हमारे ऑडियंस का सबसे ज़्यादा थैंक यू, उसने इतना इंकरेज किया, इतना अच्छे से इंजॉय किया, उसके बहुत ज़्यादा थैंक यू उनका।
डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे, आप समाज सेवक भी रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आज के आयोजन के बाद? हमारा कोशिश यही रहता है कि दिवाली के दिन यहाँ के घोड़बंदर वासियों लोग एक साथ में मिलके दिवाली सेलिब्रेट करें। जनरली दिवाली संध्या दिवाली बाद थाना की ओर में होता है और घोड़बंदर में बहुत सारे नए रेसिडेंट्स आए हैं, तो उनके लिए हमारा प्रयास यही है कि वो हर दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करें। इसके लिए हमारा कोशिश यही रहेगी कि हर साल हम कुछ नया कर सकें। राजीव जी, आपका जो फाउंडेशन है उसके अंतर्गत भी आपने बताया कि काफ़ी काम होता है, क्या नेक्स्ट आप लोगों का? हमारे फाउंडेशन के अंतर्गत ऐसे सब सोशल काम होता है जिससे एक से एक लोग सब जुड़ सके और सब अच्छे से अपने फेस्टिवल, जो हिंदू फेस्टिवल में कहूँगी, सभी फेस्टिवल सेलिब्रेट अच्छे से कर सके। राजेश जी, आपने पूरा मैनेज किया आपकी कंपनी, क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि डॉक्टर किरण मनेरा का और अर्चना ताई का, अर्चना मनेरा फाउंडेशन का, उन्होंने हमें थाना में आने का मौका दिया। और सबसे पहले जो ध्येय है और जो मेन जो सोच है, सबसे बड़ी सोच है अर्चना जी की कि अपने लोगों को लिए दिवाली का एक ऐसा तोहफा दिया जाए कि सब लोग मतलब एंजॉय करें। तो लास्ट ईयर भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था शंकर महादेव का, इस साल उन्होंने और अच्छा प्रोग्राम किया मीका सिंह का, अगले साल और भी अच्छा प्रोग्राम करेंगे मीका सिंह का, अगले साल और अच्छा प्रोग्राम करेंगे। तो अब ये जो सोच है अर्चना जी की कि भाई अपने गांव-गांव जाके, इनका ये नेटिव प्लेस है तो ये इनका हर एक परिवार इनके साथ जुड़ा हुआ है, इनकी ये अर्चना मनेरा फाउंडेशन नहीं है, अर्चना मनेरा फाउंडेशन फैमिली है, तो ये फैमिली ऐड करना शायद भूल गए है ना। तो ये फैमिली जो है, हाँ ये जो फैमिली है वो मतलब अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स को लेके और उनके पूरा उनके लिए पूरा ये आयोजन करती है, हर साल करती है और आगे भी करती रहेगी और दिवाली का तोहफा ये हमेशा देते रहे। क्या बात है, क्या थैंक यू, हैप्पी दीपावली सभी को। हैप्पी दीपावली।